Yes, functions of marketing, students. We are going to pick this topic today. Read the first heading from your book, Gathering and Analyzing Market Information. Sometimes in the question, he asks, what is the first function of marketing? So you should be able to answer at the time, that is gathering. Gathering and analyzing market info, which you call information, right? So what it means, gathering and analyzing the market information, means you have to see in the market before starting the production. आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ये देखना है मार्केट में जाके, क्योंकि हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च करनी है कि जो सामान आप बनाने के बारे में सोच रहे हैं क्या लोग वो खरीदने को तैयार है मार्केट में, क्या उसके अल्टीमेट बायर्स मेरे को मार्केट में मिलेंगे कि नहीं. सो दिस थिंग यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू गो टू द मार्केट. उसके लिए आप मार्केट सर्वेयर्स भेजोगे, वो मार्केट में जाके प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चन आया फिल करवाएंगे, एंड यू विल बी कलेक्टिंग द डाटा. For example, if you are in the process to manufacture the mobile phone, so you will be going to the market, you will be meeting certain consumer. वो youngsters हो सकते हैं, वो middle aged person हो सकते हैं, वो old aged person हो सकते हैं, जिनसे आप पूछोगे at present आप कौन सा mobile use कर रहे हो, उसकी memory कितनी है, उसका screen का size कितना है, are you satisfied with your mobile, क्या आपका कभी mobile hang होता है कि नहीं, इसको charging को कितना time लगता है, battery की कितनी life है, etc. तो कुछ कंज्यूमर बोलेंगे आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय फोन, आई डोंट वांट टू स्विच टू द अदर वन. ठीक है, कई बोलेंगे मैं तो बहुत दुखी हूँ, इसकी मेमोरी बहुत जल्दी फिल हो जाती है, बार बार मेरे को मैसेज आते हैं स्टोरेज फुल के, सो आई जस्ट वांट टू चेंज माय फोन. सो अकॉर्डिंगली यू विल बी कलेक्टिंग द डाटा, दिस इज व्हाट वी कॉल गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन. सो व्हाट यू रोट इन योर बुक, दिस इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर and take various decision for the successful marketing of the product in services. आज वो जमाना चला गया भाई जब आप कुछ भी बनाते थे तो बिक जाता था. आज वो जमाना है when my consumer is considered as the king of the market. तो जो उसे चाहिए मेरे को वही बनाना है. इस प्रोसेस में you will be identifying, लिखा हुआ है आपके बुक में, what you have to do. This is important for making an analysis of the available opportunities. बिजनेस एनवायरमेंट की चैप्टर में मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों करवाए. मार्केट में आपके लिए फेवरेबल सिचुएशंस कौन सी हैं, मार्केट में आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं, सो दोनों को आपने स्टडी करना है, देन यू विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, सो इट इज अ प्री प्रोडक्शन फंक्शन विच वी कॉल गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फो, मार्केट इन्फॉर्मेशन, राइट. नाउ कम टू द सेकेंड वन. जैसे उसने एग्जांपल दी है, रैपिड ग्रोथ इज प्रिडिक्टेड इन सेवरल एरियाज इन इंडियन इकोनॉमी, से इन द यूज ऑफ इंटरनेट, मार्केट फॉर सेल फोन्स इन सेवरल अदर एरियाज. तो आपको पहले डिसाइड करना है कौन से एरिया में मेरे को अपने आप को एक्सप्लोर करना है, कौन से एरिया से रिलेटेड मेरे को कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट बनाना है ताकि वो मार्केट में अच्छा बिके. विद द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर अ न्यू ट्रेंड हैज इमर्ज्ड इन द कलेक्शन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन. कहता आजकल जरूरी नहीं है कि आप लोगों के डोरस्टेप पे जाओगे और मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, आप ऑनलाइन उनसे फॉर्म फिल करवा सकते हो, बाय दैट आल्सो यू कैन कलेक्ट द डाटा. मोर एंड मोर कंपनीज आर यूजिंग इंटरेक्टिव साइट्स ऑन द इंटरनेट, तो वो इंटरनेट की डिफरेंट इंटरेक्टिव साइट्स होती है, उन साइट्स की हेल्प से वो अपने कंज्यूमर से डाटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनके ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं. ही हैज गिवन द एग्जांपल, क्योंकि बुक दोबारा रीप्रिंट नहीं हुई कितने सालों से, इसलिए उसने एग्जांपल टीवीज की दी है. यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ स्मार्ट टीवीज नाउअडेज. देन वी आर शिफ्टिंग टू द सेकंड फंक्शन व्हिच ही कॉल्स मार्केट प्लानिंग. सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट फ्यूचर. तो मार्केटिंग प्लानिंग क्या होगी, ही इज कॉलिंग इट मार्केटिंग प्लानिंग. यू हैव टू प्लान व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, व्हेन इज इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, एट व्हाट प्राइस वी हैव टू फिक्स, और वी हैव टू सेल इट टू द कंज्यूमर. तो ये सारा कुछ आपने पहले से चॉक आउट करना है फ्यूचर से रिलेटेड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मार्केटिंग प्लानिंग. अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और एरिया ऑफ वर्क ऑफ अ मार्केटियर, मार्केटियर हियर मींस सेलर,
to develop appropriate market plans of the organization और प्लान इस हिसाब से बनाने हैं सो दैट दैट प्लान्स हेल्प टू अचीव आवर मार्केटिंग गोल्स. फॉर एग्जांपल अ मार्केटियर ऑफ अ स्मार्ट टीवी, आई एम रिपीटिंग, बुक में कलर टीवी लिखा है, आपने स्मार्ट टीवी लिखना है. हैविंग 10% ऑफ करंट मार्केट शेयर, एट प्रेजेंट आपका स्मार्ट टीवी का 10% ही मार्केट शेयर है. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने डबल करना है अपना मार्केट शेयर, 20% करना है. अब उस 20% ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या प्लान बनाने पड़ेंगे. वो प्लान क्या हो सकते हैं, आप अपना सेलिंग प्राइस कम फिक्स करिए, आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा स्पेंड करिए, आप लोगों को डिफरेंट स्कीम्स दीजिए तो उनसे इन्फ्लुएंस होके आपका सामान ज्यादा से ज्यादा बिकेगा. सो लाइक दैट वे यू विल बी कंसिडरिंग मार्केटिंग प्लानिंग. नाउ कम टू द थर्ड, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. दो इट इज एन इंजीनियरिंग फंक्शन, प्रोजेक्ट Designing and development. अब आपने सामान बनाना है लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपने उसकी नैनो डिजाइनिंग क्या करनी है, उसका मॉड्यूल क्या करना है, अपने इंजीनियर्स के साथ बैठ के डिसाइड करना है कितने साइज का होगा, क्या इसका कलर होगा, क्या इसकी बाउंड्री होगी. If I talk about the smart TV, कौन कौन से फीचर्स हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका वेट कितना होगा, डिफरेंट रेंजेस क्या होंगी. लाइक एक बेसिक रेंज का मॉडल होता है, एक टॉप मोस्ट रेंज का मॉडल होता है, तो इन बिटवीन मैं कितनी रेंजेस अपने कंज्यूमर को क्या करूंगी, प्रोवाइड करूंगी. सो दिस ऑल यू हैव टू डिसाइड अंडर व्हाट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. व्हाट ही रोट इन योर बुक, लेट मी रीड. अनदर इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एक्टिविटी और डिसीजन एरिया रिलेट्स टू प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि लोग फोर्स हो जाए सामान को खरीदने के लिए, मतलब डिजाइन शुड बी सो मच अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव, भारी भरकम ना लगे देखने को, इतना बड़ा है ये तो मेरे रूम में सेट ही नहीं होगा. इट शुड बी स्लीक वन, बिकॉज द पीपल प्रेफर टू बाय और इन्वेस्ट इन द स्लीक प्रोडक्ट्स, बट फीचर वाइज मार्वलेस होना चाहिए. सो व्हाट ही सेज, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव. ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट लोगों को अट्रैक्टिव लगे. ठीक है, डिस्प्ले हुआ है, मैं गई खरीदने वॉशिंग मशीन हूँ, लेकिन मेरे को स्मार्ट टीवी इतना अच्छा लुक वाइज लगा दैट आउटराइटली आई प्लान टू बाय इट ऑन इंस्टॉलमेंट, मींस डिजाइन इन्फ्लुएंस्ड माय डिसीजन. ठीक है, अ गुड डिजाइन कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गिव इट अ कॉम्पिटिटिव एज या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आपका डिजाइन अगर आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स के डिजाइन से बढ़िया है तो डेफिनेटली आपको वो एडवांटेज मिलता है, आपका सामान लोग ज्यादा खरीदेंगे. नाउ कम टू द फोर्थ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. दो फंक्शन बीच में ही है भाई. स्टैंडर्डाइजेशन वॉज वन ऑफ द टेक्निक बीइंग गिवन बाय टेलर इन योर साइंटिफिक मैनेजमेंट. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स यूनिफॉर्मिटी, आपने एक जैसा सामान बनाना है, ऑफ सेम साइज, ऑफ सेम कलर, ऑफ सेम वेट. सो इट रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग द गुड्स ऑफ प्री डिटरमिंड स्पेसिफिकेशन. आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि आपके प्रोडक्ट का साइज क्या होगा, आपके हर प्रोडक्ट में क्या होगी यूनिफॉर्मिटी. सोनी का स्मार्ट टीवी मैं जलंधर से खरीदूं, मैं लुधियाना से खरीदूं, मैं यूपी से खरीदूं, मैं गुड़गांव से खरीदूं, दैट विल बी ऑफ सेम डिजाइन, दैट विल बी ऑफ सेम प्राइस टैग. This is what we call standardization, right? So standardization ensures the buyers that the goods conform to the predetermined standards of quality. Standardized product में invest करने का मेरे को यही फायदा होता है कि I take it as what good quality product. मेरे को लगता है जो standardized product है उनमें quality के साथ कोई भी compromise नहीं किया जाता. Now next we have, see here, grading. अब grading में मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट की एग्जांपल देके आपको बताती हूँ. लाइक ड्राई फ्रूट में डिफरेंट रेंजेस है. लाइक अगर मैं कैश्यू नट की एग्जांपल लूँ तो फुल साइज ऑफ कैश्यू नट ग्रेड वन, देन उसे टू पीसेस में ग्रेड टू, देन क्रश्ड कैश्यू नट्स विल बी ग्रेड थ्री. मींस जब आप उनकी क्वालिटी और प्राइस वाइज उनकी क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो वो क्या है, ग्रेडिंग. तो ग्रेडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. Grade, yeah, this line he can pick and he can ask you identify this function. It is a process of
क्लासिफिकेशन वर्ड याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, वो ग्रुप्स कैसे बनाने हैं। अब मैंने प्लस वन का नॉन मेडिकल का एक ग्रुप बनाया, एक मेडिकल का ग्रुप बनाया, एक कॉमर्स का ग्रुप बनाया। इट मीन्स कि वी क्लासिफाइड योर क्लासेस एज पर द स्ट्रीम चोजन बाय यू। सिमिलरली आपने प्रोडक्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्वालिटी एंड साइज। बासमती राइस फुल साइज है, ठीक है, अ टिप ऑफ द फिंगर जितना साइज अगर है तो वो वन है, अगर हाफ ऑफ द टिप है तो वो ग्रेट नंबर टू है, अगर बिल्कुल क्रश्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं बासमती का क्या बोलते हैं, मतलब लोएस्ट रेंज ऑफ राइस, वो क्या है, ग्रेडिंग नंबर थ्री है, ग्रेट नंबर थ्री है। तो अकॉर्डिंगली उनका साइज हो गया और प्राइस भी उनका क्या होगा, अलग हो, ठीक है। इसी तरह से फ्रूट्स में भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे अगर मैं एप्पल लेने चाहती हूँ तो ये न्यूजीलैंड का है, ये इंडिया का है, ये शिमला का है, ये कश्मीर का है, सो अकॉर्डिंगली दे फिक्स द डिफरेंट प्राइसेस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रेडिंग, राइट। सो ग्रेडिंग इज पर्टिकुलरली नेसेसरी फॉर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमिंड स्पेसिफिकेशन। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हमें पता ही नहीं है कौन से साइज के प्रोड्यूस होने हैं, कोई छोटा रह जाना साइज में, कोई बड़ा रह जाना, उन प्रोडक्ट्स के लिए लाइक वीट के लिए, ऑरेंजेस के लिए, तो ग्रेडिंग आमतौर पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की होती है। ग्रेडिंग इंश्योर्स दैट गुड्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी। अगर ग्रेड वन है तो इट मीन्स की क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, वो अच्छी क्वालिटी का ही माना जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रेडिंग। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, यू मे आस्क, बिकॉज नाउ दिस फिफ्थ पॉइंट इन इटसेल्फ इज अ सेपरेट टॉपिक। सो आई विल बी लीविंग फ्यू पेजेस फ्रॉम योर बुक and I will directly be coming to packaging, right? But before that, I just want to discuss something with the help of Blackboard with you, what is package and what is packaging, right? So let's see that. So we are proceeding to the next fifth function hai, otherwise packaging and labeling. Usme se I'm just picking the first word, that is packaging. Sunne mein word is not new for you. सबको इसके बारे में नॉलेज होती है, लेकिन यहाँ पे आपने उसका स्पेसिफाइड मीनिंग लिखना है। मैं जब कभी भी पैकेजिंग करवाती हूँ, मैं सीधा उस टॉपिक पे आ जाती हूँ, क्योंकि पैकेजिंग अलग से मेरा एक टॉपिक भी है हमारे इसी चैप्टर में। पहले एक वर्ड है पैकेजिंग, ठीक है, फिर एक वर्ड है हमारे पास पैकेज। मैं पहले पैकेज सिखाऊंगी फिर पैकेजिंग सिखाऊंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेज? Package is the outer wrapper of a project which preserves the basic characteristic of a project. मेरे बैग में एक टॉफी पड़ी है, एक कैंडी पड़ी है, उसका जो प्लास्टिक का रैपर है वो उसका पैकेज है। लेस के पैकेट को जब आप खोलते हो जो उसका पैकेट है वो उसका पैकेज है। न्यू आपने सॉक्स का पेयर खरीदा जो उसका ट्रांसपेरेंट पैकेज है वो उसका पैकेज है, ठीक है। वंस यू स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट यू जस्ट थ्रो इट अवे। टूथपेस्ट में खरीदती हूँ, पहले कार्डबोर्ड में पैक है, फिर उसकी प्लास्टिक की ट्यूब है। कार्डबोर्ड का पैक मैं उसी टाइम फेंक देती हूँ, प्लास्टिक की ट्यूब तब तक मेरे पास रहती है जब तक उसमें से लास्ट ड्रॉप में यूज नहीं कर लेती। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो कईयों की टू लेयर पैकिंग होती है, कईयों की वन लेयर पैकिंग होती है। लाइक शूज मैंने खरीदे तो कार्डबोर्ड के बॉक्स में है, जब मैंने उसे पहनना शुरू कर दिया कार्डबोर्ड का बॉक्स, मैं या तो कई बार संभाल के रख लेती हूँ या मैं फेंक देती हूँ। सो दैट इज अ सिंगल लेयर पैकिंग। तो पैकिंग बॉटल में हो सकती है, बॉक्स में हो सकती है, एज पर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड, ठीक है। टूथपेस्ट कभी बॉटल में आई? नो, हमेशा ट्यूब में ही आई। शेविंग क्रीम कभी बॉटल में आई? नहीं, ट्यूब में आई, ताकि हमें यूज करना क्या रहे, आसान रहे। जैम स्क्वीज पैक भी आता है, ठीक है, जिसे ट्रेवलिंग पैक कहते हैं या पिचकू कहते हैं, ठीक। जैम छोटे कंटेनर में भी आता है, बड़े कंटेनर में भी आता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू आप किस पे कितना खर्चा करना चाहते हो। तो पैकेजिंग शुड ऑल्सो बी अट्रैक्टिव। ये तो पैकेज का है, तो पैकेज कैन बी अ बॉक्स, कैन बी अ कंटेनर, कैन बी अ बॉटल, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग? बिजनेस स्टडीज का रूल है, किसी भी एक वर्ड के साथ अगर आईएनजी लग जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। तो पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ गुड पैकेज ऑफ एवरी प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट का एक अच्छा पैकेज तैयार करने के प्रोसेस को, मींस उसका रैपर कैसा होना चाहिए, मींस उसका बॉक्स कैसा होना चाहिए, मींस उसकी बॉटल कैसी होनी चाहिए, दिस ऑल इज टू बी डिसाइडेड अंडर दिस प्रोसेस, दैट प्रोसेस वी कॉल पैकेजिंग। सो नाउ अगेन आई एम कमिंग टू योर बुक एंड देयर बाय आई विल अगेन बी आस्किंग यू टू अंडरलाइन सर्टेन लाइंस
which will help you to prepare for your MCQ paper. And now I am not sure because I started this chapter before and ठीक है तो I will be completing it. पता नहीं ये second term का है या first term का है but I will just be completing it. ठीक है उसके बाद देखेंगे तब तक syllabus भी आ जाएगा then we will be proceeding as per your syllabus, right? So let's see that. Yes, Vita ji. Let's fifth function यहीं पे छोड़ देते हैं और सीधा packaging वाले topic पे आएंगे. So in between you have to leave 5 or 6 pages. अब एक-एक step उठाते जाएंगे और उसका detail वाला portion we will be picking. Right? Basically we are doing functions of marketing and from there we arrived at fifth function. बीच वाले अभी छोड़िए. Role of marketing भी छोड़िए. मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट यस क्योंकि पैकेजिंग किसकी होनी है भाई प्रोडक्ट की होनी है तो बिफोर गोइंग टू द प्रोडक्ट पैकेजिंग यू शुड नो व्हाट इज प्रोडक्ट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस एंड आई अस्यूम इस टर्म में भी वो डिलीट ही करेगा क्योंकि ये 3-4 साल पहले डिलीट हो चुका है तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं करना सिंपल प्रोडक्ट का मीनिंग करना है तो प्रोडक्ट इट इज नॉट असेंशियल ओनली अ गुड जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट आपका एक गुड ही हो इवन प्रोडक्ट कैन बी अ सर्विस लाइक बैंक्स आर प्रोवाइडिंग सर्विस तो जब कभी भी मैं बैंक में एफडी बनाने चाहती हूँ तो वो यही बोलते हैं प्रोडक्ट कोड मतलब एफडी की सर्विस अगर बैंक मेरे को दे रहा है फिक्स डिपॉजिट की सर्विस बैंक मेरे को दे रहा है तो फॉर दैट फॉर देम दैट एफडी इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी दे रहा है तो वो बैंक के लिए सर्विस तो है हमारे लिए वो बैंक की सर्विस है लेकिन वो उसे प्रोडक्ट कहते हैं इसी तरह से LIC की डिफरेंट पॉलिसी वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है लेकिन वो डिफरेंट पॉलिसीज LIC की क्या है प्रोडक्ट राइट सो प्रोडक्ट मींस एनी गुड और सर्विस और एनीथिंग ऑफ वैल्यू जिसका हमारे लिए कुछ यूजफुलनेस है ठीक है जिसकी कोई वैल्यू है हमारे लिए क्योंकि उसकी हमारे लिए कुछ वैल्यू है तभी हम उसके लिए कोई पेमेंट करते हैं राइट सो प्रोडक्ट इज समथिंग ऑफ वैल्यू टू अस जैसे हिंदुस्तान लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग सो मेनी प्रोडक्ट ठीक है क्लोजअप टूथपेस्ट लाइफ बॉय सोप लक्स सोप भी इन्हीं का है तो सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान लिवर इज प्रोड्यूसिंग सिमिलरली टाटा स्टील के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं सो प्रोडक्ट रिलेट्स नॉट ओनली टू द फिजिकल प्रोडक्ट एज मेंशन इन द अबव एग्जांपल बट ऑल्सो बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय तो एट्रीब्यूट्स अटैच्ड टू दैट प्रोडक्ट इज ऑल्सो बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज of some value to us. जो भी उसकी qualities हैं जो हमें कुछ benefit दे रहे हैं वो product उनको हम लोग क्या मानते हैं product मानते हैं For example, toothpaste is bought for whitening teeth and strengthening gums. तो ये उसकी quality है भाई The concept of product also include the extended product or what is offered to customer by way of after sale services. वो भी product है Sale करने के बाद अगर free home delivery है तो attached service जो दे रहे हैं वो भी product की category में ही आएगा word to word पढ़ना पड़ेगा क्योंकि MCQ वो कहीं से भी frame कर सकता है even handling of the complaints availability से बोलते हैं extended product concept of product also include extended product word को underline करो और what is offered to customer by way of after sale services ठीक है These aspects are very important, particularly in the marketing of consumer durable product. Like automobile, आपने लिया 4-wheeler या 2-wheeler, तो आपने after sale उसकी free में service होनी है पहली 4-5. Refrigerator लिया, तो maintenance service है उसकी. Water purifier लिया, तो उसकी maintenance service है. So that services are also being included in your product. ठीक है? अभी हम लोगों को price नहीं करना. I am just related with product, and now I am coming to क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं करना हमारे सिलेबस में नहीं है ये भी पेजेस छोड़ दीजिए इन पे क्रॉस लगा दीजिए सीधा हम लोगों ने पैकेजिंग पे आना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है कुछ भी नहीं है ये 5-7 पेजेस हमारे सिलेबस में नहीं है यस ब्रांडिंग मैं बाद में करवाती हूँ पहले पैकेजिंग ही देखती हूँ इसको पहले पैकेजिंग
लिखना चाहिए था. यस आ गया पैकेजिंग. यस दिस वाज आवर फिफ्थ फंक्शन भाई. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अफेक्टिंग द बिजनेस वर्ल्ड इन द रीसेंट इयर्स. जिस प्रोडक्ट की अच्छी पैकिंग होती है वो प्रोडक्ट मेरे को बहुत ज्यादा अपील करता है, क्योंकि पैकिंग अच्छी है, आई एम फोर्स टू बाय दैट प्रोडक्ट. ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर लॉट ऑफ मनी दे स्पेंड, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ गुड इमेज इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर. दे जस्ट वॉन्ट दैट कंज्यूमर शुड बाय देयर प्रोडक्ट आउटराइटली. और पैकिंग के बारे में हमेशा एक लाइन यूज करती हूँ, अ गुड पैकेज इज अ साइलेंट सेल्समैन. मतलब वहां पे आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है. एक अच्छा पैक किया हुआ सामान अपने आप में सेल्समैनशिप का भी काम करता है. आप खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो और आप उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो और उसे उसके लिए पेमेंट कर देते हो. सो दैट्स व्हाई अ गुड पैकेज इज अ साइलेंट सेल्समैन. दिस लाइन यू हैव टू राइट ऑन योर बुक्स एज वेल. तो आज के जमाने में कोई भी जो कॉन्शियस कंज्यूमर है वो कभी भी अनपैक्ड मटीरियल या लूज मटीरियल खरीदना प्रेफर नहीं करता भाई. दे विल ऑलवेज बी गोइंग विद द पैक्ड मटीरियल, चाहे पल्सेस है, चाहे रिफाइंड ऑयल है, चाहे देसी घी है. एवरीथिंग वी वांट इट शुड बी सील्ड पैक्ड, इट शुड बी पैक्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर, ताकि इसके ऊपर मॉइस्चर वगैरह का भी कोई असर ना हो. ठीक है, भुजिया के पैकेट देख लीजिए, दैट आर इन जिपलॉक पैक. Means after the consumption, if few material is being left over in the packet, you just lock that packet. So उसकी जो क्या बोलते हैं basic characteristics, उसकी crunchiness उससे क्या रहती है, maintain रहती है. So अगर मैं milk की example हूँ तो वो tetra pack में है, three layer packing में है, उसकी shelf life कितनी बढ़ जाती है, 10-15 दिन तक वो खराब नहीं होता. Similarly fruity का tetra pack, ठीक है, with straw, so that the consumer can use it as it is. After pouring that whole, he or she will put the straw and they can consume it. There is no need to pour it into the glass or into the jug, right? So this is what we call a good packaging. Or jam ki bottle, ka lid kholo, isme spoon ya knife asani se chala jata hai, so that you can spread that jam on the bread. So this is what we call a good packaging. So good packaging always influences the decision of the buyer. Right? So packaging plays a very important role in the marketing success or failure. If you want to succeed, if you want to beat your competitors in the market, yes, then you need to spend a lot on packaging. आपको packaging के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा. Right? Levels of packaging, very, very important. For that, again, I will be going to the board. Yes, levels of packaging. Let's see. This is what we call level of packaging. Levels of packaging. We have three levels of packaging. Primary level, secondary level. और कई बच्चे कहते हैं जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया और थर्ड टर्शरी होगा. नो, थर्ड लेवल इज ट्रांसपोर्टेशन लेवल. ट्रांसपोर्टेशन लेवल, आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है, एक बड़ा सा कार्टन है, उसमें 2 dozen टूथपेस्ट है. अब टूथपेस्ट अपने आप में भी कार्डबोर्ड की पैकिंग में है, राइट? और वो जो 24 pieces किसके हैं, 24 pack या 2 dozen पैक टूथपेस्ट के हैं, बड़े से कार्टन में पैक है. जो बड़े से कार्टन में पैक है वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग है. मैं रिवर्स स्टार्ट करूंगी, ठीक है? जो बड़ा सा बॉक्स है, दैट विल हेल्प अस टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इजीली, कन्वीनियंटली. बिखरा नहीं रहेगा सामान, एक बॉक्स में हम सील कर देंगे और बाहर लिख देंगे क्लोजअप, कंपनी का नाम प्रिंट कर देंगे. आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो जो बड़े से बॉक्स में पैकिंग आती है उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग कहते हैं. सेकेंडरी पैकिंग, वो जो छोटा कार्डबोर्ड का बॉक्स है वो सेकेंडरी है. जैसे ही आपने टूथपेस्ट यूज करना शुरू कर दिया आपने उसे फेंक देना. और प्राइमरी पैकिंग कौन सी है, जो प्लास्टिक की ट्यूब है वो लास्ट ड्रॉप तक आप अपने पास रखोगे. जब तक उसमें से लास्ट ड्रॉप आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेते टूथपेस्ट की, तब तक आप उसे फेंकते नहीं हो. So this is named as what, primary packing.
कईयों में सिर्फ प्राइमरी पैकिंग होती है, जैसे शूज का बॉक्स, जैसे शूज पहनने शुरू कर दिए, बॉक्स को फेंक दिया तो वो प्राइमरी है, उसमें सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। पेयर ऑफ सॉक्स, उसकी ट्रांसपेरेंट एनवेलप में रहता है, तो जैसे ही आपने सॉक्स पहननी शुरू कर दी वो लिफाफा थोड़ी ना संभाल के रखोगे, वो भी क्या है, प्राइमरी पैकिंग है। तो कईयों में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रहती है, कईयों में प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन भी रहता है। तो लेट्स गो विद दैट ओनली। सी दिस डायग्राम, देखा, रिवर्स स्टार्ट किया ना उसने, थर्ड से स्टार्ट किया, ये जो बड़ा सा बॉक्स है ये कौन सा है, थर्ड लेवल है, मींस ट्रांसपोर्टेशन लेवल है। तो प्राइमरी, ये जो प्लास्टिक की टूथपेस्ट है, जो प्लास्टिक की ट्यूब है, वो प्राइमरी है, ठीक है। सो प्राइमरी पैकिंग आप अपने पास तब तक संभाल के रखते हो जब तक आप उसे फुली यूज नहीं कर ले। लेट्स सी द मीनिंग। इट रेफर्स टू प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर, जिसमें प्रोडक्ट पैक होके आया है। इन सम केसेस द प्राइमरी पैकेज इज टू बी कैप्ट टिल द लास्ट ड्रॉप इज नॉट यूज्ड, एंड इन सम केसेस इट इज यूज्ड और कैप्ट टिल द कंज्यूमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट। जब तक मैंने नए शूज यूज करने नहीं शुरू करे, मैं उसे बॉक्स में रखना ही प्रेफर करती हूँ। जब तक मैंने सॉक्स का पेयर यूज करना नहीं शुरू किया, मैं उसे ट्रांसपेरेंट लिफाफे में ही रखती हूँ। जैसे ही मैं सॉक्स पहननी शुरू कर दूंगी, मैं उसे फेंक दूंगी, ठीक है। बट इन अदर केसेस इट इज कैप्ट टिल इट्स लाइफ, जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता, थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक टूथपेस्ट ट्यूब और अ मैच बॉक्स। जब तक उसमें से सारी मैच स्टिक्स यूज नहीं हो जाती, आप उस मैच बॉक्स को फेंकते नहीं हो, क्योंकि जलाना किससे है, जो उसका केमिकल है वो तो मैच बॉक्स की साइड पे लगा है, राइट। सो मैच बॉक्सेस वी विल ऑल्सो बी कीपिंग विद अस टिल द लास्ट मैच स्टिक इज नॉट यूज, राइट, इज नॉट बर्न। नाउ कम टू द सेकेंडरी पैकिंग packaging, it is the outer layer or some additional layer of packing. Toffee ke do wrapper hai, one is of paper and another is of plastic. Jaise aapne wo toffee khani hai, aap dono wrapper fenk dete ho, theek hai. To additional protection dene ke liye hum us product ko ek additional wrapper dete hain, ek additional package dete hain, jisko hum kya bolte hain, secondary packaging. So it refers to, ये याद रखना है आपको, एडिशनल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज। जैसे आप उसे यूज करना शुरू कर दोगे, आप उसे फेंक देते हो। आर ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम यूजुअली कम्स इन द कार्डबोर्ड बॉक्स, तो कार्डबोर्ड बॉक्स आप फेंक दोगे, प्लास्टिक की ट्यूब आप लास्ट तक अपने पास रखोगे। व्हेन द कंज्यूमर स्टार्ट यूजिंग द शेविंग क्रीम, दे विल डिस्पोज ऑफ द बॉक्स बट रिटेन द प्राइमरी ट्यूब, वो प्राइमरी जो प्लास्टिक की ट्यूब है वो आप अपने पास ही रखते हो। ट्रांसपोर्टेशन काहे के लिए जरूरी है, ताकि इजिली सामान एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, बड़े बड़े डिब्बों में पैक करना, और क्योंकि उसके ऊपर मार्क लगा है तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई, ये वाला बॉक्स कोलगेट का है, ये पेप्सोडेंट का है, ये क्लोजअप का है। तो देयर इज नो नीड टू ओपन ऑल द थ्री बॉक्सेस। अगर कंज्यूमर आपके पास आके क्लोजअप मांगता है, तो आप पहले पेप्सोडेंट का बॉक्स खोलते हो, फिर कोलगेट का खोलते हो, तीसरे नंबर पे क्लोजअप का खोलते हो। आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में हमारी हेल्प करती है ये वाली पैकेजिंग। जब लार्ज और लमसम क्वांटिटी में सामान खरीदना और बेचना होता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग रहती है। इट रेफर्स टू द फर्दर पैकेजिंग कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर स्टोरेज। स्टोरेज में भी कम जगह रहेगी, आप बिखरा नहीं रहेगा, आपका सामान संभला रहेगा, आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी रहती है। सो दीज आर द थ्री लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। नाउ एनीथिंग इफ यू वॉन्ट टू आस्क, यू आर फ्री टू आस्क, अदरवाइज इट इज ओवर फ्रॉम माई साइड, राइट। Anything you want to ask, you can ask. Rest of the things we will continue tomorrow, right? किसी को कोई doubt है? Any doubt to anyone? You may ask. पूछना है किसी को कुछ? To see you tomorrow at the same time.